हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन बिरयानी, जो कि हम बनाएंगे कढ़ाई में। और उसके लिए मैंने लिया है 750 ग्राम मटन और लगभग 2 कटोरी जितना बासमती चावल। ये कटोरी आप ले लीजिए, आपकी जो दाल की जो कटोरी होती है उतनी कटोरी, 2 कटोरियाँ। हमें लेना है 750 ग्राम्स ऑफ मटन, दही, और ये लिया है मैंने अदरक, मिर्च और लहसुन का पेस्ट। और उसके बाद मैंने लिया है शाही बिरयानी मसाला, ये है एवरेस्ट का शाही बिरयानी मसाला। मैंने इसमें लिए हैं 6 से 7 चम्मच दही। दही जो है खट्टा नहीं होना चाहिए, और आजकल डिब्बे बंद दही भी मार्केट में मिलते हैं, अगर आप वो लें तब भी चलेगा। और अब मैं इसमें डालूंगी पूरा 1 चम्मच अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट। आप अभी दही और अदरक, हरी मिर्च, लहसुन के पेस्ट को पहले अच्छी तरह से मटन में मिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और 1 बड़ा चम्मच मिर्च पाउडर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ शाही बिरयानी मसाला एवरेस्ट का, ये मैंने लिए हैं 2 बड़े चम्मच। आप इसकी मात्रा चाहे तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो आप ज़्यादा यूज़ कीजिए। अब हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच ऑलिव ऑयल, और इसे अब हम मिक्स करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। मैंने 2 कटोरी बासमती चावल लिया है, इसे अब मैंने धोकर आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया है। मैंने 2 प्याज को पतला पतला स्लाइस करके रखा है, और अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। मैंने 2 चम्मच भर के तेल ले लिया है कढ़ाई में, और इसे हम अच्छी तरह से पहले गर्म कर लेंगे, और फिर उसमें हमारे दोनों जो प्याज हमने स्लाइस करके रखे हैं इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से भून लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो प्याज है वो एकदम सुनहरा हो चुका है, और अब हम इसे निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा हम अब इसे नहीं फ्राई करेंगे, वरना ये जल जाएगा। और अब हमें सारा प्याज हमारा इसी तरह से फ्राई करके ले लेना है। हमारा प्याज आप देख सकते हैं ये हो चुका है पूरी तरह से, बिल्कुल क्रिस्पी बन चुका है। अब मैं कुछ पुदीने के पत्ते जो हैं थोड़े आधे ले लूंगी, और इन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे इसी ऑयल में। थोड़ा संभल कर कीजिएगा, तेल बहुत उड़ता है। और इन पत्तों को निकालने के बाद जो हमारा मटन जो हमने मैरिनेट करने के लिए रखा था आधे घंटे से, वो हमें इसी ऑयल में डाल देना। हम कोई एक्स्ट्रा ऑयल अब इसमें नहीं डालेंगे, जितना ऑयल है अभी उसी में मटन हो जाएगा। प्याज और पुदीना जो हमने फ्राई करके लिया है अब वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिल्कुल क्रिस्प हो चुका है। अब मैंने मटन डाल दिया है कढ़ाई में, और मैंने कोई एक्स्ट्रा तेल नहीं डाला है, क्योंकि हम ऑलरेडी मटन में 1 चम्मच जितना तेल डाल चुके थे मैरिनेट करते समय। हमने जिसमें प्याज और पुदीना जिसमें फ्राई किया है, हमने इसी ऑयल में मटन डालकर अब इसे अच्छी तरह से पका लेना है। हमें मटन को ढक्कन हटाकर बीच बीच में देखते रहना है। आप देख सकते हो अब इसमें पानी छूट चुका है, और
हमें इसे हाफ कुक ही करना है। हाफ कुक होने के बाद हम इसमें चावल की दो लेयर्स लगा देंगे। अब हम इसे ढक्कन लगाकर फिर पकने के लिए रख देते हैं। ये अभी पका नहीं है। अब हम एक दूसरी कढ़ाई ले लेंगे और इसमें मैं डाल दूंगी 3 ग्लास पानी और हमें इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। हमारा पानी अब गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच नमक। अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच तेल, 1 बड़ी इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी। अब हमें मिलाना है इस पानी में चावल। चावल हमें थोड़ा केयरफुली डालना है, ये टूटना नहीं चाहिए। और इसे भी हमें हाफ बॉईल ही करना है, बहुत ज़्यादा पका लेना नहीं है, क्योंकि हमें अभी इसकी लेयर्स लगानी है और ये मटन के साथ अपने आप पक जाएगा। हम ढक्कन हटा देते हैं और आप देख सकते हैं हमारा मटन जो है वो हाफ कुक हो चुका है। अब मैं कढ़ाई में थोड़ा मटन रख दूंगी और एक बाउल में मैं थोड़ा मटन सेपरेट कर दूंगी, क्योंकि अब हमें चावल की लेयर्स लगानी है। कढ़ाई में अब हम एक चावल की मटन के ऊपर लेयर लगा देंगे और उसके ऊपर ये हमारा रखा हुआ मटन हमें लेयर करना। हमारा चावल जो है वो अब हाफ बॉईल हो चुका है और अब मैं इसकी लेयरिंग करना शुरू कर देती हूँ। हमारी कढ़ाई में जो हमने मटन बचा के रखा है उस पर हमें इसकी थिक लेयर लगा देनी है और इसमें जो ग्रेवी बची हुई है इसी ग्रेवी के सहारे ये चावल अच्छी तरह से पक जाएगा। हमें चावल तोड़ना नहीं है, इसकी लेयर बहुत संभल कर कीजिएगा। और अब हम इस पर फैला लेंगे हमारा प्याज और पुदीना जो हमने फ्राई करके रखा था। इसमें मैं थोड़ा सा केसर वाला दूध भी डाल दूंगी। हमारा मटन जो हमने रखा हुआ था बचाकर, अब हमें उसकी एक लेयर कर देनी है इसके ऊपर। और हम इस मटन को थोड़ी थोड़ी दूरी पर रख देंगे। इसकी जो ग्रेवी है वो भी हम इस पे ऊपर से डाल देंगे अभी। दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम इस पर घी डाल देंगे और घी अवॉइड मत कीजिएगा, ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है इसमें। 1 से 2 चम्मच हमें घी इसमें फैला लेना है। अब हमें चावल की सेकेंड लेयर लगा लेनी है, इसके लिए मैं चावल लेकर फिर से फैला दूंगी। और अब ये भाप के सहारे ही अच्छी तरह से पक जाएगा। हम इसमें फैला लेंगे हमारे प्याज और पुदीना के पत्ते जो हमने पहले से फ्राई करके रखे थे थोड़े से अलग, और धनिया और पुदीना के पत्ते जो हमने बारीक काट कर रखे हुए थे। इसमें मैं थोड़ा सा दूध भी डाल दूंगी जो केसर वाला हमने बचा कर रखा हुआ है, ये दिखने में बहुत सुंदर लगता है। और इसमें मैं मिला लूँगी अभी 2 चम्मच घी। इसे मैं अभी ढककर पका लूँगी और 10 मिनट तक ढककर पकाने के बाद इसे मैं शिफ्ट कर दूँगी तवे पर।
10 मिनट तक मैंने हमारी बिरयानी को गैस पर पकाया है और 10 मिनट के बाद मैंने इसे तवे पर शिफ्ट कर लिया है ताकि सीधी आंच इस पर ना लगे और ये नीचे से जल ना जाए। अब हम ढक्कन हटाकर देखते हैं। बिरयानी का रंग बहुत अच्छा लग रहा है, इसके चावल भी खिल चुके हैं और ये बिल्कुल पक चुकी है, रेडी है बिल्कुल सर्व करने के लिए। तो मैं अब इसका गैस बंद कर दूंगी और हम एक रायता बना लेते हैं। रायता बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कटोरी दही, इसमें मैंने आधा कटोरी जितना पानी मिला लिया है और हमें इसे अच्छी तरह से मिलाकर फेंट लेना है ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। हमारा दही जो है वो फेंट कर हो चुका है, इसमें मैं डाल दूंगी 1 चम्मच चीनी और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और इसमें मैं डाल दूंगी अभी आधा चम्मच नमक और इसे हमें मिला लेना है। अब हम मिला लेंगे दही में 1 स्लिट की हुई हरी मिर्च और 1 कटा हुआ प्याज। और धनिया और पुदीने के थोड़े पत्ते। हमारा रायता तैयार हो चुका है और मैं इसमें मिला लूँगी थोड़ा सा जीरा पाउडर। बिरयानी के साथ रायते का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। हमारा रायता और बिरयानी मैं सर्व कर चुकी हूँ और ये दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है। आप भी ट्राई कीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।